बताएंगे, क्योंकि उससे द्वंद्व मच जाएगा। एक हम फोरन से बात कर रहे हैं, बट इतना जानो कि आपको स्वस्थ खाना है फ्यूचर में, और स्वस्थ मिलेगा तभी जब आप उगाओगे। अब शहर का आदमी सोचता है कि हमारा काम नहीं है उगाना, आप भी खेती कर सकते हो, इतनी जमीन पड़ी है, देखो आप किचन गार्डन बनाइए, छोटे छोटे गमलों में उगाइए, तो इतनी ही जमीन अगर 15x15 का ये है तो इतने से ही आप साफ सुथरी सब्जी हर तरह की साल भर उगा सकते। अगर 1 रुपया लगाने से अनाज के उत्पादन में 2 रुपया मिलता है तो सब्जी के उत्पादन में 1 रुपया लगा करके 4 से 6 रुपया तक आदमी कमा सकता है, लेकिन उसकी तकनीकी मालूम होनी चाहिए। अब क्या होता है कि जब हम जैसे भिंडी पे बात चल रही थी, बटा पे बात चल रही थी, जो बड़े बड़े लोग उगा रहे हैं आज उन्होंने दवा छिड़का और दूसरे दिन उसको तोड़ के बाजार में बेच दिया। ये है अज्ञानता। वो जो चीज खाओगे वो आपको बहुत नुकसान करेगा, वो जहर है एक तरह। उसको कब खाना है? आज अगर आप छिड़क रहे हो भिंडी में तो उसको पहले तोड़ लीजिए भिंडी को, फिर छिड़कने के बाद कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनका 3 दिन में असर खत्म हो जाता है कीड़े को मार के, कुछ फायदा नहीं होता है लेकिन जरूरी है शरीर के लिए। तो तेल से सामान्य तौर पे हमको ऊर्जा मिलती है देर तक, तैली चीज कोई खा लो तो देर तक, जो कमजोर लोग होते हैं ना कहते हैं कि तेल वाली चीजें बंद करो, एक उम्र के बाद डॉक्टर बंद करा देता है। फिर बाद में दाल जो है खाते हो, दाल सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। 20 साल तक के बच्चों को, 18 साल तक के बच्चों को बचपन से लेके प्रोटीन वाली चीजें, प्रोटीन हमेशा दाल में पाई जाती है, या तो मीट 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 में पाई जाती है, मांस मछली में, तो वो लोग तो सब खाते नहीं है। तो प्रोटीन वाली चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा दाल खाना चाहिए। अब जो मैं कह रहा था सेरेलेक की बात, बच्चा अगर आपका छोटा है, दाल का पानी या केला या ऐसी चीजें थोड़ा मसल मसल के जब खिलाओगे तो हैबिट आ जाएगी, तो उसके अलावा कोई दूसरी चीज खाएगा नहीं। लेकिन उसकी हैबिट अगर सेरेलेक और चॉकलेट की पड़ी है तो वो दुकान पे वही ढूंढेगा वो, क्योंकि आपने आदत तो ऐसी डाली है। हम लोग बचपन में थे तो हम सबसे पहले गिलास लेकर दूध पीने पहुंच जाते थे, हम तो यादव हैं तो हम तो सीधे भैंस के पास वही बगल में पहुंच जाते थे और बैठ जाते थे, तो बब्बा जी जो है वो कटोरा जब तक नहीं पिला लेते थे, उनको तो पहलवान बनाना था है ना, तो वो उतना पिलाते थे, तो पीना ही पड़ता था मार खा के। तो दूध इसलिए पिलाया जाता था कि दूध कुछ भी मत खाओ, दूध पे आदमी जिंदगी गुजार सकता है, क्योंकि उसको संपूर्ण भोजन कहा गया है। क्यों कहा गया है? अभी हमने जो बताया कि पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अब एक अगली चीज आती है खनिज पदार्थ, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, लोहा है, ये सब चीजें, ये भी शरीर में अपना काम, जैसे आयोडीन है, आयोडीन नमक, नमक कौन ऐसा है जो नमक नहीं खाता, और क्यों खाता है, और क्यों बंद कर दिया टाटा का नमक खाने लगे, क्योंकि आयोडीन एक ऐसी चीज है पोषक तत्व, थोड़ा सा लगता है शरीर में, लेकिन अगर वो कम हुआ तो थायराइड्स की बीमारी होती है, गलघोंटू वगैरह ये सब कई तरह की चीजें विकार पैदा होते हैं। इसलिए खासकर माँ का बहनों को जब वो गर्भवती तो उस समय आयोडीन दिया जाता, लेकिन कई लोगों को यही नहीं मालूम है, सब्जी उन्होंने पकाया माता बहने और उन्होंने नमक को डाला, और जैसे ही आपने उबाला सारा आयोडीन उड़ गया, खत्म, चाहे टाटा का डालो चाहे बिरला का डालो, आयोडीन खत्म, अब खाते रहो फिर भी बीमारी होती है, तो ये होती है उसकी बीमारी। आपको नमक जो है डालने के बाद सब्जी को इसलिए लास्ट में डालो, थोड़ा सा जब थोड़ी ठंडी हो जाए डाल के मिला दो, बस उबालो मत उसको ज्यादातर, तब तो ठीक। खुले में अगर आप नमक रखो तो उसका आयोडीन उड़ जाता है, ये होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो घरों में जानते हैं, एजुकेट होना चाहिए तब आप जान सकोगे। नंबर दो बात ला कहा रहा हूं मैं उसको समझिएगा, एक होती है विटामिन, विटामिन ए, विटामिन